हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको तीन बटन के बारे में यूज़ बताऊंगा, क्या क्या उनके यूज़ हैं और क्या नहीं है। कई बार कस्टमर भी ड्राइवर भी परेशान रहते हैं, ये नई गाड़ियों में BS6 में क्या फीचर दे दिए, क्या कुछ है। तो तीन बटन हैं, पावर, पावर एक प्लस, इको, इको प्लस, पावर। ये तीन बटन आपके, ठीक है। आज मैं तीन बटन को बताऊँगा। ये आइसर आइसर में नहीं, आप किसी भी गाड़ी में भारत बैंस, टाटा, माजदा, स्वराज, अशोक लीलैंड, जितने भी जो भी जिस प्रकार की आपके पास गाड़ियाँ हैं, सभी में सिस्टम काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन से हैं वो बटन। ये इको प्लस, इको पावर, ये तीन बटन आपके। ये तीनों बटन सभी जितनी भी गाड़ियां हैं सभी में काम करते हैं और सभी में मिलते हैं, ठीक है। इको प्लस, ये इको प्लस आपका तब काम करेगा जब आपकी गाड़ियां 0% से लेकर 50% माल तक, यानी कि पेटन तक, जितना आपका गाड़ी पेटन पास कर रही है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 10 टन, 5 टन, 10 टन पास कर रही है आपकी गाड़ियाँ, ठीक है। तो 10 टन में से आपको ये 0% से लेके 50%, यानी कि 0 टन से लेके खाली गाड़ी से 5 टन तक आपको दबाना है इको प्लस, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तेज, ठीक है। ये आपका देखिए, जैसे ही आप इसको दबाओगे ग्रीन बत्ती, ठीक है। ये बड़ी गाड़ियों में ग्रीन दिखाती है, छोटियों में लाल दिखाती है, ठीक है। आप इको प्लस देख लेना, ये आपका ग्रीन ही दिखाएगा। अगर आपका भाई मान लो 50% से आपका 90% तक माल है, यानी कि 5 टन से लेके आपका 9 टन तक माल है आपका, तो आपको ये बटन बंद करके ये इको वाला बटन दबाना आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका गाड़ी जितनी टन पास करी है 10 टन या 10 टन से ज़्यादा है, ओवरलोड गाड़ी है, तो दोनों बटन को आप इस कंडीशन में दोनों बटनों को आपको बंद करना है। आपको विशेषकर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इको प्लस बटन आपका ऑन है तो पावर इको वाला बटन ऑफ होना चाहिए, अगर इको प्लस वाला बटन ऑफ है तो इनमें से कोई एक बटन आप ला सकते हो। अगर आपकी गाड़ी अंडर लोड है तो आप इको प्लस, अगर आपका मीडियम है तो इको, अगर ज़्यादा भरी हुई है ओवरलोड है, दोनों बटन बंद। समझ गए जी, ऐसा ही है। और दोनों बटन एक साथ कभी मत दबाना। मैं अभी आप ये भी बोल रहा हूँ आपको, दोनों बटन एक साथ कभी मत दबाना, क्योंकि ये बटन सीधे हमारे फ्यूल सिस्टम के इंजेक्टर पे काम करते हैं। अगर दोनों बटन इकट्ठे दबा दिए तो इंजेक्टरों का तालमेल बिगड़ जाएगा, तो फिर आपकी गाड़ी की एवरेज जो है उससे भी आधी चली जाएगी, ठीक है। विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना आपको।